बस स्टैंड है वो, रिक्शा। हाँ सही है, रिक्शा स्टैंड है ना वो। ये देखो फ्रेंड्स कितने प्यारे प्यारे स्टिकर लगा रखे। ओ वाओ, ये क्या है? वुडलैंड का भी शोरूम है फ्रेंड्स यहाँ पर। फ्रेंड्स ये देखो हिमाचली टोपी। हाँ जी, मैं भी वही सोच रही थी, मजबूत रहता है और सब्जी वब्जी रखने के लिए सही रहेगा, है ना। तो फ्रेंड्स ये देखो कितना प्यारा रास्ता है यार, अंग्रेजों की तरह ना डिजाइन कर रखा है, अच्छा लग रहा है यार मेरे। वाओ, व्हाट अ व्यू। मिल रहे फ्रेंड्स यहाँ के, नैनीताल लिखा हुआ है, ले सकते हैं। ये देखो मम्मी, ये मैग्नेट होते हैं ना, कितनी क्यूट सी प्यारी सी है नैनीताल की छोटी सी बोट, प्यारी सी। ओए मैग्नेट डिफ्यूजर 199। ये जो आपके यहाँ लगे रियल है दुकान। मम्मी मुझे ये पसंद आया। ये क्या है, क्या है ये? मैं मैग्नेट पे लगा सकते हैं। और ये मदीना की जामा मस्जिद, इसको जामा मस्जिद बोलते हैं, मतलब मस्जिद भी है और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखो और यहाँ पे पूरा नजारा हर चीज का, उधर तक मार्केट है ना। अच्छा ये मॉल रोड इधर भी तो है मम्मी, ये देखो सामने। हाँ जी, तो ये देखो जो अभी आ रहे हैं ना, मतलब रात को यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये देखो इधर सामने जाए ना,
पार्किंग को जा रहे हैं ऐसे, पार्किंग के चक्कर में इतना जाम लगा। अच्छा कौन सी होटल पर? हमारे होटल में पूरा होटल पैक है ना अभी। अच्छा पैक हो गया। सही है, टफ है भैया। अरे भैया आज तो हमारी हालत खराब हो गई थी। अच्छा सोचो भाई, मम्मी पापा बेचारे इतना हिम्मत करते हैं, नहीं मम्मी? माशाल्लाह भैया उन्होंने हमारे लिए बताऊं क्यों हिम्मत की, कहा कि बेटा तुम लोग टफ चीजें देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, वरना भैया हमारी जो गाड़ी है ना ऐसे पीछे हुई समझ लो जान निकल गई थी। और सही बात बोल रही हूँ मैं? क्या हुआ ना कि एड्रेस पूछने के चक्कर में ये हुआ, वरना भैया वो भी नहीं होता। पापा मतलब ऑब्वियसली एज के हिसाब से बहुत समझदारी दिखाते हैं मेरे पापा, है ना, कि वो एड्रेस पूछने के चक्कर में ढलान पर ही खड़े हो गए, ध्यान नहीं हुआ। हाँ और वो भी कौन सी ढलान, वो जो आखिरी वाली है? हाँ एकदम सीधी वाली। हाँ यही वाली थी क्या? अरे भाई नहीं ये नहीं थी, आगे वाली है। फिर लोगों से कहने लगे कि आ जाओ कोई नहीं गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ अच्छा ध्यान बढ़ गया एड्रेस के चक्कर में, जब मैं हम लोग बैठे ना तो जैसे ही गियर लगा वो सीधे पीछे को आ गया। हाँ जी भैया मैम एक्चुअली जो ज्यादा जो यहाँ पर तो हमसे खुद ही कहते भैया हमारी गाड़ी लेके जाओ, अच्छा ऐसा होता है? बिल्कुल बहुत डेंजर है ये, बहुत डेंजर है भाई। अब देखो बता तो रही जो हमारे होटल में हमारे साथ रुके उनकी गाड़ी ये खुद लेकर आए हैं। हाँ दिल्ली नंबर तुम्हारे पीछे, दिल्ली नंबर लेकर नहीं आ रहा ना वो? हाँ 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 भैया चला के बताओ। अच्छा आधा घंटे जो टॉप है आपको दिखा टॉप ही है? हाँ जी यहाँ भी गाड़ी जाती है बताओ अब। हाँ सही बात है, लेकिन भैया यहीं के लोग लेके जा पाते होंगे ना? हम लोगों की कहीं और तैयारी थी घूमने जाने की ना। हम लोग सोच रहे थे कलियर शरीफ जाएंगे, हम लोग ट्रेन से जाने वाले थे जी। अचानक क्या हुआ टिकट मिला नहीं तो हम लोगों ने कहा अचानक प्लान बन गया पापा, आधे घंटे में हो गया कि नहीं चलो भाई यही थी मम्मी यहाँ से पीछे आई थी गाड़ी, अचानक ये हो गया कि चलो आधे घंटे नहीं ये नहीं था आगे वाला है तो आराम से लेकर आए थे। एक्चुअली ऐसा होता है हिमाचल में तो तुम्हें पता है हिमाचल पूरा हिमाचल में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी ना। हाँ लोग इधर ही आ रहे हैं नैनीताल में। अच्छा ऐसा है यहाँ पर, ये इस ढलान पर इधर हुआ था। हाँ इस जगह पर नहीं, इस पे भी नहीं हुआ होगा, आगे था मम्मी जो एकदम आखिरी दरवाजे पे जाकर। अच्छा लास्ट वाला है? हाँ भैया वही तो खतरनाक है, बस समझ गए आप? बिल्कुल। अच्छा हाँ ये भैया यहाँ से जो पीछे गाड़ी आई है भैया कसम से काफी मतलब मीटर पीछे चली गई थी गाड़ी। अच्छा उन्होंने क्या किया ना वही पता करने के चक्कर में हम लोग उतर गए दोनों माँ बेटी जी मैम, अब उतर गए तो उनका ध्यान हुआ नहीं हमारे तरफ आ गया कि पता नहीं कितने आगे जाना पड़े इस चक्कर में। चलो इस चक्कर फ्रेंड्स ये होटल अपना के लिए मुझे भी हो गया भाई, ऐसे होने से ना इंसान होपलेस हो जाता है समझ रही हो, क्योंकि इंसान को क्या होता है ना मम्मी जो स्थिति होती है ना उसे संभालना होता है समझ रही हो बात को। भाई यहाँ पे चलो लाइटें वाइटें जल गई, अब एक बात बताओ मम्मी उतनी भीड़ देखकर आने के बाद ना मुझे यही चीज सही लग रही है, मैं सच्ची बता रही हूँ। हाँ यार बताओ फ्रेंड्स ये दिल्ली में मिलता है फेक वाले है ना कि मतलब भाई सजाओ, और यहाँ पर रियल लगे हुए हैं यही सेम शेड वाले। सो फ्रेंड्स आज का हमारा ये एक्सपीरियंस जो है मैंने आपसे शेयर किया, और आप देख सकते हो मॉल रोड जो है हमने नैनीताल की एक्सप्लोर की। आई होप आपको ये व्लॉग जो है ना बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट कीजिए जल्दी जल्दी, प्लीज़ मेरा वॉच आवर्स जो है कंप्लीट करवा दीजिए, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।